वोट किया जाए, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। विडोज और डिवोर्सेस की जो बात हो रही है उससे एक और पॉइंट निकल रहा है। क्या आपको पता है कि ये जो सिस्टम और स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा के पूरा सिस्टम है ऑब्सिनिटी का, या हम इसे कहेंगे ओपननेस का, ये चीज से एक और इफेक्ट निकलता है, वो है डिवोर्स। एक तो मैरिजेस से बाहर बातें होने लगती है, मैरिजेस के बाहर बच्चे पैदा होने लगते हैं, बहुत सारे लोग तो मैरिज करते ही नहीं है, लेकिन उसके अलावा जितनी मैरिजेस होती है उसमें डिवोर्स रेट्स सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। ऑब्वियस बात है कि एक आदमी है जो दुनिया भर की औरतों को देखता है, सब लोग अपनी ब्यूटी दिखाएंगे, अपनी ब्यूटी को एक्सपोज करेंगे, उसमें और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आगे मुझे आपको बताने हैं। लेकिन आप इमेजिन करिए कि जब एक आदमी दुनिया भर की औरतों को देख रहा है और वो अपनी बीवी को भी देख रहा है, तो अपनी बीवी को ये औरतों से कंपेयर करे, ये बहुत हाई चांसेस है, या तो उसके जहन और दिमाग में वो सारी इमेजेस होगी जिसके सामने उसकी बीवी भी है, और उसके कंपैरिजन में एक और आदमी है जो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहां सारी औरतें कवर्ड है, जहां सेग्रीगेशन है, एक तो देखने का मौका ही नहीं, और दिखे तो भी कवर्ड ही दिखेगी। तो हम देखते हैं कि वो आदमी जब अपनी बीवी के पास जाता है, अपनी बीवी को देखता है, तो दोनों आदमियों में कुछ डिफरेंस है या नहीं है? जी बिल्कुल है, लेकिन डिवोर्स के ज्यादातर मामले जो है दूसरे रीजंस होते हैं जी, या फिर आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स? मेरे पास बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स है सबूत के साथ इस चीज को साबित करने के लिए कि ऐसी सोसाइटीज में डिवोर्स रेट्स सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। लेकिन बात यहाँ ये है कि ये शख्स को अपनी बीवी ज्यादा प्यारी लगेगी, ज्यादा अच्छी लगेगी, और वो शख्स जो अपनी बीवी को देखेगा इतनी औरतों को देखने के बाद, तो उसको कंपैरिजन में उसकी बीवी कैसी लगेगी वो एक डिफरेंस है। शी इज इन कंपैरिजन विद सो मेनी अदर वुमेन, उसका एक एक्सक्लूसिव राइट नहीं उसके शौहर की नजरों पर, क्योंकि सोसाइटी इस तरह से फैशन और चॉक आउट की गई है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है। तो हम ये देखते हैं कि ये फर्क है एक नेचुरल अट्रैक्शन, और इसके अंदर हम देखते हैं कि इनफिडिलिटी के केसेस भी बढ़ने लगते हैं। जब इंटरमिंगलिंग है, बातें हैं, तो जिससे बात हो रही है वो हो सकता है किसी की बीवी है, या हो सकता है कि कोई शख्स मैरिज के बाद किसी और से बात कर रहा है। तो जब बात कर रहा है, बातों से बात बढ़ते बढ़ते किसने ये रिस्ट्रिक्ट किया है कि सिर्फ अनमैरिड लोग बात करेंगे? जब सोसाइटी इस तरह से चॉक आउट की गई, सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि जिसके अंदर औरतें अपने आप को एक्सपोज कर रही है, जिसमें लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो कोई भी किसी से बात कर सकता है, किसने कहा कि सिर्फ अनमैरिड लोग बात करेंगे? भाई मैरिड लोग भी तो बात कर सकते हैं। जब मैरिड लोग बात कर सकते हैं तो बातों से बातें क्या किसी मैरिड शख्स की नहीं बढ़ सकती? बिल्कुल, यानी कि एक और बुराई को ये जन्म